हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स अड्डा बाय टारगेट. अभी सो एक क्वेश्चन है जो काफ़ी परसिस्टेंट हमें मिल रहा है हमारे कमेंट सेक्शन में, हमारे दूसरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे. वो है कि DSSSB की जो भी हमारे पास अपकमिंग वैकेंसीज हैं, चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के लिए हैं, चाहे मैं टीचिंग पोस्ट की बात करूँ, नॉन टीचिंग पोस्ट की बात करूँ, उसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्यों क्या रहने वाला है, क्या वो ऑनलाइन होगा और या फिर ऑफलाइन होगा. और ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में आ क्यों रहा है, सारे के सारे लर्नर्स के दिमाग में आ क्यों रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि CTAT का जो एग्ज़ाम है हमारे पास अपकमिंग, उसका जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो ड्रामेटिकली चेंज हो गया है. दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ CTAT. इसके अगर आप पब्लिक नोटिस पे जाएं तो आप लोगों को एक पर्टिकुलर PDF मिलेगा. ये PDF आप लोगों को कहता है साफ साफ कि जो CTAT का 17th एडिशन का टेस्ट है वो आप लोगों का 20/8, ठीक है, 20 अगस्त 2023 को पेन और पेपर बेस्ड रहने वाला है, मतलब ऑफलाइन एग्जामिनेशन रहने वाला है. सो ऐसा क्या हुआ कि CTAT ने जो अपना एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड से ऑफलाइन कर दिया? आप लोगों को एक छोटी सी थ्योरी में आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर मैं CTAT की बात करूँ तो CTAT के जो भी एग्जामिनेशन थे 2019 तक आपके OMR बेस्ड ही होते थे. OMR बेस्ड या फिर आप लोग बोल सकते हैं उसको ऑफलाइन ही होते थे, ठीक है. सो व्हाट वेंट रॉन्ग कि उन्होंने पेपर ऑनलाइन करवाना शुरू कर दिया 2020 से. आप लोगों को पता है कि 2020 में हमें कोरोना देखने को मिला, एंड इन द वेक ऑफ कोरोना जो भी पेपर्स हैं वो हमारे ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गए, ठीक है, ताकि लोगों को बेसिकली हम ज़्यादा लेवल पर रीच आउट कर पाएँ. सो ये हमारे पास ये चीज़ थी. तो 2020 से हमें ऑनलाइन मोड पे एग्जामिनेशन CTAT के देखने को मिल रहे थे. नाउ हमारा जो कोरोना है वो नॉर्मलाइज हो गया है, तो उन्होंने फिर से जो अपना पेपर है वो आप लोगों का ऑफलाइन मोड पर रखा गया है. सो स्टूडेंट्स, इसी पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के चक्कर में DSSSB में भी कन्फ्यूज हो रहे हैं कि DSSSB का पेपर अब आपका ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा. सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि DSSSB एक बहुत बड़ा बोर्ड है, और ये एक ऐसा बोर्ड है जिसके पास में, ठीक है, अच्छे खासे रूल्स रेगुलेशंस हैं, और उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी अच्छा खासा है. DSSSB इज़ नॉट लाइक अदर बोर्ड्स. DSSSB में बहुत सारी वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिलती हैं. अगर आप कभी भी इसके नोटिफिकेशन सेंटर को विजिट करोगे ना, तो इसमें इतने सारे नोटिफिकेशन रहते हैं, आए दिन हर 15-20 दिन में किसी ना किसी का एग्जामिनेशन ये लोग कंडक्ट करवाते रहते हैं. ये काफ़ी बड़ा बोर्ड है और काफ़ी लेवल की पोस्ट के लिए लोगों को रिक्रूट करता है. सो DSSSB का क्या सिनारियो रहने वाला है, सो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि 2017 के बाद में DSSSB के सभी एग्जामिनेशन आप लोगों के ऑनलाइन होते हैं. सो जो आप लोगों की वैकेंसी देखने को मिलने वाली है 2023 में, इट इज़ प्रोबेबल कि वो सारे एग्जामिनेशन आप लोगों के ऑनलाइन ही होंगे, बिकॉज दे हैव अ वेल डिफाइंड सेटअप फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, और उनका जो रूल्स रेगुलेशन है और उनका जो नियंत्रण है वो DSSSB का अच्छा खासा है. सो वो प्रिफर करेंगे कि वो अपने एग्जामिनेशन ऑनलाइन ही रखें, ठीक है. दो अगर कोई भी नोटिफिकेशन आती है रिगार्डिंग द चेंज ऑफ मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो हमारे प्लेटफॉर्म एज वेल एज DSSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों को उसके रिगार्डिंग अपडेट डेफिनेटली मिल जाएगा. लेकिन फॉर द टाइमिंग ये कन्फ्यूजन आप अपने दिमाग से हटा दें कि DSSSB ऑफलाइन तो नहीं होगा, क्या वो ऑनलाइन ही देखने को मिलने वाला है. अब क्या चांसेस हैं DSSSB के कि वो ऑफलाइन भी हो सकता है? सो जैसा कि आप लोगों को पता है KVS के बारे में, यार KVS की अभी थोड़ा टाइम पहले काफ़ी सारी वैकेंसी आई थी जिसके एग्जामिनेशन हमारे 3-4 महीने पहले ख़त्म हुए हैं. काफ़ी के इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, एक आध के इंटरव्यूज बचे हैं और सबके अब रिजल्ट आना तैयार है, ठीक है. सो KVS लाइब्रेरियन की अगर मैं बात करूँ, लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग दैट स्कैम हुआ है कि इतनी हाई कट ऑफ चली गई है. और अगर स्कैम की मैं बात करूं, ठीक है, तो वो स्कैम होने की पॉसिबिलिटी कौन से मोड ऑफ एग्जामिनेशन में ज़्यादा रहती है ये हम लोग डेफिनेटली कर सकते हैं. तो वो जो आप लोगों के पास में पॉसिबिलिटी रहती है वो ऑनलाइन मोड में ज़्यादा रहती है. ऑनलाइन मोड में उस चीज़ के चांसेस हाई हैं, बिकॉज व्हेनेवर ऑनलाइन वी डोंट हैव इनफ एग्जाम सेंटर्स, ठीक है. चाहिए कंप्यूटर के लिए लैब्स में आप लोगों का टेस्ट होगा, और हर गली के नुक्कड़ पे तो लैब है नहीं, हर एक
जो स्कूल है उसके अंदर छोटे छोटे से लैब्स हैं, ठीक है, आप लोग क्या 50 या 100 से ज़्यादा का एग्ज़ाम नहीं ले सकते, इसलिए हमारे पास डिजिटल जोन्स होते हैं जहाँ पे हज़ार हज़ार कंप्यूटर होते हैं, वहीं पर ही जो हमारी गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं वो वहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है। दिस इज़ समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो, लेकिन वो आप लोगों का थोड़ा दूर होता है, राइट। एक ही पर्टिकुलर सिटी में 3 से 4 ही जगह होती हैं कि अगर ऑफलाइन की बात करूं तो हर एक एरिया में आप लोगों को स्कूल्स मिल जाएंगे, गवर्नमेंट भी मिल जाएंगे, प्राइवेट भी मिल जाएंगे, फिर आप लोग किसी से भी कोऑर्डिनेट करके वहाँ पे एग्जामिनेशन करवा सकते हो। सो इन द केस ऑफ ऑफलाइन वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ चॉइसेस, वी हैव मोर नंबर ऑफ चॉइसेस इन द केस ऑफ सेंटर्स, बट इन केस ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन हमारे पास सेंटर की चॉइसेस काफ़ी कम होती है। एक ये वन ऑफ द रीज़न है, जब भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है जस्ट बिकॉज हमारे पास सेंटर कम है लिए हमें मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जामिनेशन करवाना होता है। एक ही एग्जाम को अलग अलग शिफ्ट में करवाएंगे, ठीक है, और अलग अलग शिफ्ट में बनाने के लिए मल्टीपल पेपर्स बनते हैं, मल्टीपल आपके पेपर्स बनते हैं, और जब एक ही सब्जेक्ट के अलग पेपर बनेंगे तो डिफिकल्टी लेवल आप लोगों का बढ़ जाता है, और अगर सेम सब्जेक्ट के अलग अलग पेपर बनते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन का भी सीन देखने को मिलता है, और नॉर्मलाइजेशन से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होता है, उनको लगता है कि यार उनके शिफ्ट का जो पेपर था वो टफ था और उनके नॉर्मलाइजेशन की वजह से नंबर कम हो गए, नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, एक ही शिफ्ट में पेपर होता तो उनका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाता। ये सब जो कंफ्यूजन, इनसे बचने के लिए बॉडीज प्रेफर करती हैं कि पूरा टेस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन कराएं, ठीक है, इफ प्रेफर वो ऑफलाइन मोड पर जाना ज़रूर चाहेंगे, इसीलिए सीटेट ने शायद अपना जो एग्जामिनेशन फिर से ऑफलाइन मोड पे कर दिया है। सो DSSSB की पॉसिबिलिटी की बात करें सो चांसेस आर क्वाइट लो कि वो अपना ऑफलाइन मोड पे टेस्ट कराएंगे, चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि वो ऑनलाइन मोड पे टेस्ट कराएंगे। थोड़े लोग इस मोड को इंट्रोड्यूस करा है, ऐसा नहीं 2010 से ऑनलाइन ही टेस्ट करवा रहे हैं, 2017 के बाद से ऑनलाइन करवा रहे हैं, और इन्होंने काफ़ी अच्छी पकड़ बना ली अपने ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर। सो हमारे पास काफ़ी हाई चांसेस हैं कि ऑनलाइन ही आप लोगों का पेपर हो। अगर आप लोगों को कोई भी और रिलेटेड डाउट है रिलेटेड टू DSSSB NVS आपके CTET की वैकेंसी, दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म, और हम इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के लिए आ गए। प्लीज़ हमारे साथ जुड़ जाएँ, आपका वो भी कॉमन पेपर है जिसमें हम लोग इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स एज वेल एज जनरल अवेयरनेस की तैयारी करते हैं, वो सारी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पे करवाने वाले हैं। सो प्लीज़ जॉइन अस, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टू दिस वीडियो। थैंक यू।